अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा हैवी हाइड्रोजन D2 ड्यूटेरियम। ओके, तो इसको डिस्कवर्ड किया था ऑस्टन ने 1927 में। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, इसको प्रिपेयर करने के लिए पहली मेथड तो है किससे, सेपरेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होती है उसमें कुछ अमाउंट में ड्यूटेरियम होती है, तो उस ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से H2 को सेपरेट किया जाता है। पहली मेथड है फ्रॉम लिक्विड हाइड्रोजन ड्रॉ H2C। तो देखो लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है, लिक्विड हाइड्रोजन को मतलब पूरी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का जो गैसियस मिक्सचर है जब लिक्विफाइड किया जाता है 13.9 केल्विन में, तो ये टोटल किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। दोनों लिक्विफाइड हो गए H2 और D2। फिर इसका वॉल्यूम वैक्यूम और रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन किया जाता है, बहुत ही लो प्रेशर पर डिस्टिलेशन किया जाए। तो ऐसे में H2 जो है पहले डिस्टिल बनकर बाहर आ जाती है और फ्लास्क में कुछ अमाउंट में क्या हो जाती है, D2। हालांकि 100% तो नहीं रहती, बट ड्यूटेरियम से जो लिक्विड नीचे है फ्लास्क में उसमें D2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड हाइड्रोजन में से ड्यूटेरियम को सेपरेट किया जा सकता है, समझ गए बच्चों। और लगभग 4 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन का जब डिस्टिलेशन किया जाता है, समझ रहे बच्चों, तो लगभग 1 ml मिलता है लिक्विड, बहुत ही कम। 4 लीटर जब लिक्विड हाइड्रोजन का डिस्टिलेशन किया जाता है तब कहीं जाके 1 ml D2 हमें मिलता है। एक दूसरा है डिफ्यूजन मेथड। तो देखो बच्चों, डिफ्यूजन मेथड ग्राहम डिफ्यूजन लॉ पर बेस्ड है। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ ये कहता है कि डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो सॉरी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कि जितना ज्यादा किसी का मास होगा वो उतनी धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन मतलब है सीधा सा है गैस मिक्सचर का एक या गैसों का आपस में मिलना या किसी पिन होल से गैस का बाहर आना। तो जब क्या हो कि H2 और O2 को डिफ्यूज्ड किया जाए, तो आप देखोगे हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, ड्यूटेरियम का ज्यादा है, तो पहले कौन बाहर निकल आएगी, हाइड्रोजन। हालांकि ऐसे नहीं कि प्योर हाइड्रोजन निकल गई, उसके पीछे ड्यूटेरियम भी आएगी, लेकिन जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में डिफ्यूजन होगा तो जो पहले चैम्बर में H2 और D2 का परसेंटेज था उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज अब दूसरे चैम्बर में किसका हो जाएगा, D2 का। और ऐसा बार बार रिपीट किया जाए डिफ्यूजन, तो लास्ट में प्योर ड्यूटेरियम बचेगी और हाइड्रोजन डिफ्यूज होके बाहर हो जाएगी। तो ये लिखा है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन डिफ्यूज मेनी टाइम देन H2 एंड D2 सेपरेटेड टू ईच अदर। समझ गए बच्चों कि इस मिक्सचर को बार बार डिफ्यूज किया जाए तो ये दोनों से सेपरेट होते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ ये कहता है कि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होने से भले वो केमिकली सेम हो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। H2 डिफ्यूज फास्ट देन D2 एंड ऑब्टेन प्योर D2 इन लॉन्ग टाइम। बार बार डिफ्यूजन किया जाए तो लंबे समय में हमें प्योर D2 मिल जाएगी। समझ गए बच्चों कि H2 को कई बार मिश्रित करते हैं तो H2 तथा D2 एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जितना भी होगा उसमें, और इन क्यों, क्योंकि इनके मोलर मास अलग अलग हैं। H2 D2 के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा डिफ्यूज होती है और एक लंबे समय पश्चात हमें क्या मिल जाती है, D2। तो इस तरह से समझें, सपोज ये फर्स्ट चैम्बर है, इसमें 90% H2 और 10% D2 है। हमने फर्स्ट डिफ्यूजन किया, H2 और D2 यहां पहुंच गए। अब यहां 50% H2 और 50% क्या हो गया, D2। ओके, और आगे बढ़ जाए या हम ये कहें कि 50 नहीं, अब यहां ऐसे ले लें कि ये हो गया 95% और ये हो गया यहां पर 5%, या और इस या इस यहां पर हो गया ये 50 और ये हो गया 50, एक रेशियो ले लें। फिर और डिफ्यूजन किया तो ये 60% हो गया, ये 40% हो गया, और डिफ्यूजन किया तो ये लास्ट में 100% ही हो जाएगा और 100% ही हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फाइनली सेपरेट। मतलब दो लोगों को दौड़ाया जाए तो जो हल्का होगा वो पहले दौड़ के अलग हो जाएगा, जो मोटा है भारी है वो पहले पीछे रह जाएगा, जस्ट यही समझे इसमें। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्प्शन से भी हटाई जा सकती है। तो यहां पर है चारकोल, ठीक है, चारकोल पर अधिशोषण, अधिशोषण। ओके, तो जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जब जो ठीक है चारकोल होता है, चारकोल जो कि एयर लिक्विड एयर टेम्परेचर पर रखा हो चारकोल, और उस पर जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो बहुत कुछ हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है, और अब जो बाहर गैसियस
मिक्सचर निकलता है उसमें काफी D2 हो जाता है, मींस वो रिचर्ड हो जाता है। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पास्ड ओवर चारकोल कैप्ड इन लिक्विड एयर टेंपरेचर द मोस्ट ऑफ H2 एब्जॉर्ब एंड फ्रैक्शन रिचर्ड इन D2 पास आउट। समझ गए बच्चों कि H2 को चारकोल में पास किया जाए तो बहुत कुछ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है, अब जो गैसियस मिक्सचर बाहर निकलता है उसमें D2 का काफी प्रतिशत बढ़ जाता है। इसके अलावा है फ्रॉम हैवी वाटर, तो ये ही मोस्ट मेथड है बच्चों, हैवी वाटर से D2 मिलती है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाए, बिल्कुल वाटर जैसे जैसे H2O डिसोसिएटेड होता है ऐसे ही हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन, जैसे ही यहाँ पर ड्यूटेरियम अलग हो गई और ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की, ये है हैवी वाटर D2, इसको क्या बोलते हैं हैवी वाटर। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाए तो कैथोड में हाइड्रोजन मींस ड्यूटेरियम और एनोड पर क्या मिलती है ऑक्सीजन, और अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कर दें जैसे वाटर की सोडियम से रिएक्शन होती है H2 निकलती है, जैसा ही ऐसा ही हैवी वाटर की जब सोडियम से रिएक्शन होगी तो क्या निकलता है D2। ऐसे ही हॉट आयरन को हीट किया जाए, मतलब ये आयरन को हॉट आयरन पर जब स्टीम के फॉर्म में लिया जाए और इसको जब वेपर फॉर्म में लेकर इस पर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है P3O4 और क्या निकलती है D2, जो कि लैगेज प्रोसेस जैसे ही बिल्कुल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हाइड्रोजन मिलती है, सॉरी ड्यूटेरियम निकाली जाती है। यहाँ पर अब देखो बच्चों ये कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये वैल्यूज लिखी हुई है, कलरलेस ऑर्डरलेस, ये भी ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस ठीक है, टेस्टलेस, ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन जैसे रंगीन गंधहीन स्वादहीन, ये है इसके पैरामीटर्स। इनकी वैल्यूज मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे वहां पर भी बताए हैं, तो ये वैल्यूज हैं। आप देखोगे कि फिजिकल वैल्यूज जो हैं D2 की उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हाइड्रोजन की जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है, समझ गए ना, चाहे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉन्ड एनर्जी हो, ठीक है। एक दूसरा है D2 ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑर्थो एंड पैरा रेशियो पैरा फॉर्म्स, समझ गए बच्चों कि जैसे हाइड्रोजन के ऑर्थो और पैरा फॉर्म्स होते हैं ऐसे ही ड्यूटेरियम के भी ऑर्थो और पैरा फॉर्म्स होते हैं, जिसमें दो पार्ट तो ऑर्थो और एक पार्ट क्या होता है पैरा, समझ गए बच्चों। तो ये रेशियो होता है इन मिक्सचर ऑफ D2। फिर आता है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान से देखें कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की केमिकल नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रेट का डिफरेंस है। ध्यान रखें कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की रिएक्शंस लगभग सेम है बट उनके रेट अलग अलग हैं। आप देखोगे कि D2 जो है स्लो रिएक्शन देता है, ये लिखा है, बट गिव स्लो रिएक्शन देन H2 लाइक एज H2 बट गिव्स, ठीक है, D2 जो है स्लो रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि D2 की बॉन्ड एनर्जी H2 की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए इनकी रिएक्शंस में थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो जिन कंडीशन में हाइड्रोजन फास्ट रिएक्शन देता है वहां पर ये स्लो कर देते हैं, जैसे कंबशन, समझ गए ना, कंबशन ऑक्सीजन से, तो D2 वाटर जैसे हाइड्रोजन के रिएक्शन से वाटर बनता है, ऐसे ही हैवी वाटर बनता है और इसमें भी क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। फ्लोरीन से रिएक्शन करा दें H2F2, जैसे F2H2 तो HF बनता है, ऐसे ही D से रिएक्शन होगी तो DF बनेगा, Cl2 से तो DCl बनेगा, ओके। इसी तरह से एक्सचेंज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखें कि ड्यूटेरियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, जैसे H2O की ड्यूटेरियम से रिएक्शन करेंगे तो D2O बन जाएगा और H2 फ्री हो जाएगी, क्यों, क्योंकि OD बॉन्ड OH बॉन्ड से कहीं ज्यादा स्टेबल है, तो यही लिखा है कि दिस रिएक्शन डी ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन आयंस और मॉलिक्यूल, समझ गए बच्चों कि अणु या आयन में हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ जाता है D, तो इसमें से ऐसे ही NH3 से रिएक्शन करेंगे तो ND3 बन जाएगा और HCl के बाहर हो जाएगा, CH4 में करेंगे तो H, अब आता है कि CH3D लिखा हो और फिर ड्यूटेरियम से रिएक्शन कराए तो D हटेगा या H, तो ध्यान रखें कि CH और CD में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये क्या है वीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को हटाएगा ना कि ड्यूटेरियम को, तो ऐसे में क्या बन जाएगा CH2D2, और अगर हम इसी तरह फिर D2 की रिएक्शन करा दें तो CH3D और फिर D2 की रिएक्शन करा दें तो लास्ट में हमें मिल जाएगा CD4। मतलब है कि अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों किसी कंपाउंड में हो तो और हाइड्रोजन से रिएक्शन ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा ना कि ड्यूटेरियम,
तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, यहां पर ध्यान रखना है। अब मान लो यहां लिखा है CH3D ओके प्लस Cl2 और आपसे कहा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप यहां लिखेंगे CH2DCl और प्लस क्या HCl, मतलब क्लोरीन अगर CH और D ये दोनों है, समझ गए ना कि H और D दोनों है और क्लोरीन किसकी रिएक्शन पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखें D नहीं हटाना बल्कि क्या हटा देना है आपको H हटा देना है, क्यों, क्योंकि CH में अभी आपको बताया कि CH की बॉन्ड एनर्जी कम CD की ज्यादा है, ऐसे में H हट जाएगा ना कि D, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2DCl प्लस HCl। ऐसे ही मान लो ये लिखा है बेंजीन में कि यहां पर है D और यहां पर है H, यहां है D यहां है D यहां है D और यहां D और हमने इसकी D2 से रिएक्शन करा दी, तो अब यहां पर भी क्या आ जाएगा D आ जाएगा, सारी जगह अब D आ जाएगा और क्या निकल जाएगा DHD। तो इन रिएक्शंस में यही मैंने आपको बताया है। अब आता है यूजेस, तो इसका यूज एक तो होता है ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स बनाने में, ओके प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरेटेड कंपाउंड ड्यूटेरियम युक्त यौगिक बनाने में, यूज्ड एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शंस होती हैं सस्पेक्टेड रिएक्शन की कहां से हाइड्रोजन निकल रहा है कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है, वहां ड्यूटेरियम को सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन की मैकेनिज्म समझी जा सकती है, आइसोटोपिक लेबलिंग कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आइसोटोपिक, ठीक है लेबलिंग, इस बेस पर मैकेनिज्म समझी जाती है। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है कि ड्यूटेरियम का यूज ट्रेसर के फॉर्म में होता है या नहीं, तो ट्रेसर के फॉर्म में न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है 1H2 1H3 से 2H4 प्लस ही एनर्जी बहुत अधिक रिलीज होती है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में होता है कृत्रिम विघटन में एक तत्व को दूसरे तत्व में या एक आइसोटोप के दूसरे आइसोटोप में बदलने में भी इसका यूज होता है, जैसे 11 सोडियम 23 1H1 तो 11 12 हो गया, तो यहाँ 12 यहाँ 11 कर दिया, 23 25 24 और ये तो आप देख रहे हैं कि ये आइसोटोप 24 में चेंज हो गया। तो ये ड्यूटेरियम के यूजेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस तरह की है जहां पर एक्सचेंज रिएक्शन बताई गई है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हैवी वाटर D2O ओके, इसको डिस्कवर्ड किया था यूरो ने और इसने देखा कि जो H2O है उसके 6000 पार्ट में एक पार्ट D2O होता है, मींस 6000 लीटर अगर हम वाटर में तो उसमें एक लीटर क्या होगा बच्चों D2O। हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हैवी हाइड्रोजन आया है, हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो D2O हैवी एटॉमिक मास के कारण इसका नाम पड़ा है। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में पहली है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी वाटर जो H2O है उसके 6000 पार्ट में एक पार्ट तो D2O है, तो क्या किया जाता है कि D2O और H2O दोनों का ये जो मिक्सचर, समझ लेना ये क्या है मिक्सचर जो है, हम जानते हैं कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि D2O का कितना है 101.24 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में इन दोनों का वेपराइजेशन किया जाए सिंपल डिस्टिलेशन में तो ये सेपरेट नहीं होती, इसलिए इसमें होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा होता है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कई बार रिपीट किया जाता है एक बार, तो जैसे जैसे बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा जो फ्रैक्शन मिलता है डिस्टिल मिलता है वो D2O से रिचर होता जाता है, D2O से उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो ऐसा जब कई बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो H2O तो डिस्टिल्ड होकर लास्ट में बाहर हो जाएगा और जो हमें फ्लास्क में मिलेगा वो क्या रह जाएगा D2O, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसको बॉइल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको कम, तो ये पहले डिस्टिल्ड होके बाहर हो जाएगा और ऐसा कई बार एक बार नहीं हजारों बार जब ये डिस्टिलेशन रिपीट होता है तब जाके हमारे पास D2O मिल जाता है। दूसरा होता है फ्रैक्शनल फ्रीजिंग प्रभाजी हिमनन। अब देखो बच्चों D2O और H2O इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है, D2O का होता है फ्रीजिंग पॉइंट 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम फ्रीजिंग कराएं कई बार उसको फ्रीज करें तो आप देखोगे कि D2O तो लिक्विड में बना रहेगा जबकि H2O क्या हो जाएगा सॉलिड बन के सेपरेट हो जाएगा, और एक बार में नहीं कई बार किया जाता है, ऐसा करने से धीरे धीरे जो आइस रह जाती है वो D2O से रिचर हो जाती है और H2O सॉलिड होके बाहर हो जाता है, तो इस मेथड से भी
हमें ड्यूटेरियम मिलता है। और तीसरा होता है मल्टी स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस। ये है D2O की मेन प्रिपेयर्ड मेथड और मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है और वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। सबसे ज्यादा इसी मेथड से निकाला जाता है D2O। समझ गए बच्चों, जो है ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाली है अभी वर्तमान में। और ये जो है ये है कंटीन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब बार बार इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, बार बार इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा लंबे समय तक। तो क्या होगा कि देखो दोनों हैं D2O और H2O, ऑर्डिनरी वाटर है, ये क्या है ऑर्डिनरी वाटर, सेवन स्टेज में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो जब बार बार इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा तो H2O तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि OH की बॉन्ड एनर्जी कम है, जबकि D2O इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होता। और इस तरह से सारा H2O O2 कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज होके H2O O2 में निकल के बाहर हो जाता है और बाकी जो मिक्सचर बनता है लास्ट में यह कहें कि जो बचता है वो क्या बचता है, प्योर ड्यूटेरियम। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट में ये इलेक्ट्रोलाइज्ड हो भी जाएगा तो ड्यूटेरियम मिल जाता है। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हैं कि एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, एक फ्रैक्शनल फ्रीजिंग से और एक इलेक्ट्रोलिसिस से। ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण यूज होती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण यूज होती है, और ये बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस के कारण यूज होती है। ये मेथड है जिनसे हमें हैवी वाटर मिलता है। तो इसको नोट कर दें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, D2O। D2O में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस, टेस्टलेस, मोबाइल, लिक्विड, मतलब वाटर की तरह बिल्कुल वैसा नहीं है, मोबाइल लिक्विड है और मोर एसोसिएटेड देन H2O। H2O के अपेक्षा कहीं ज्यादा एसोसिएटेड होता है। दूसरा रहता है वैल्यू ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट वाटर से ज्यादा है। इसी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण ही जो D2O है ना, हैवी वाटर, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह यूज होता है। वाटर का भी यूज होता है लेकिन ये और भी अच्छा कूलेंट होता है क्योंकि ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्यूजन एंथैल्पी ये है, वेपराइजेशन ये है, डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है, सरफेस टेंशन ये है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 78.606 है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वाटर से कम है। क्यों, मैंने बताया कि रीजन है OH बॉन्ड जो है उसके अपेक्षा OD बॉन्ड ज्यादा एनर्जी में डिसोसिएटेड होता है, तो ये इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है जो कि वाटर के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट से कम है। और मॉलिकुलर वेट तो है इसका, ठीक है, उसमें जो है दो हाइड्रोजन का वेट डबल हो जाने के कारण ये 18 की जगह 20 हो गया, 18 होता है वाटर का तो ये है 20। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, केमिकली जो है D2O और H2O लगभग सिमिलर है, मतलब जो रिएक्शन D2O देता है वही रिएक्शन, सॉरी, जो रिएक्शन H2O देता है वही रिएक्शन किसमें मिलती है, D2O में। बट आपसे पूछा जाए कि दोनों के रिएक्शन रेट में क्या डिफरेंस दिखेगा, तो ध्यान रखें D2O की जो रिएक्शन होती है वो H2O की रिएक्शन से जो है स्लो होती है उस सेम टेम्परेचर में। रीजन है OD जो बॉन्ड है, OD बॉन्ड जो है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो H2O की OH बॉन्ड से ज्यादा है। तो बट गिव्स अ स्लो रिएक्शन देन H2O ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, ठीक है, OD देन OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जितने जल्दी ब्रेक नहीं होता उतने जल्दी OD बॉन्ड ब्रेक, सॉरी, जितने जल्दी OH बॉन्ड ब्रेक होता है उतने जल्दी OD बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, यहां ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ रिएक्शंस, देखो बिल्कुल वाटर जैसी है, जैसे H2O की सोडियम से रिएक्शन होती है हाइड्रोजन निकलती है, ऐसा ही D2O की जब सोडियम से रिएक्शन होती है तो ड्यूटेरियम निकलता है। कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन होती है तो हम जानते हैं क्या बनती है हमें, एसिटाइलीन, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम से होगा तो ड्यूटेरेटेड एसिटिलीन बनेगी, ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह इस तरह से बन जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट की वाटर से रिएक्शन होती है अमोनिया बनती है तो यहाँ पर ND3 बन जाएगा, ओके, एक तो ये है। दूसरा है एक्सचेंज रिएक्शन, तो ध्यान रखें कि एक्टिव हाइड्रोजन, अगर कोई कंपाउंड ऐसा लिया गया है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन देखते हैं तो वो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज्ड हो जाते हैं। देखो कैसे, जैसे OH यहाँ ये प्लस के फॉर्म है तो ये इसको सेपरेट कर देगा और इस तरह से मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा और डीएम आ जाएगा,
और इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। HCl में H हट जाएगा प्लस वाला और D आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहां पर चले जाएं तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, D2O की जगह H2O आ गया। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो अमोनियम के हाइड्रोजन हटेंगे और ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जस्ट वैसी ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि आपने ड्यूटेरियम में देखी। मीन्स अगर हम ये कहें कि उस कंपाउंड में अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों हो और फिर आपसे सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया गया हो, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया CH2 ओके और O या CH2D2, सपोज यहां वाटर की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन किससे दे दी गई हो, D2O से, तो आपको पूछा जाए कि क्या बन सकता है, तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, CH3+D2O, ऐसे DHO बन जाएगा। समझ गए ना कि इस तरह से हाइड्रोजन का क्या हो सकता है। यहां पर जैसे लिखा है CH2OD और यहां लिखा है मान लो OH और इसकी रिएक्शन D2O से करा है, तो हम देखेंगे CH2OD और यहां पर भी क्या हो जाएगा, OD और HDO निकल जाएगा। तो OH बॉन्ड की एनर्जी कम, OD की ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो अभी आपने देखा था ड्यूटेरियम की जो प्रोडक्शन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है, इसमें रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, D2O को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, ओके इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो यहां पर हमें मिल जाएगा D2 और प्लस का ओन, तो ये कहां मिल जाएगी हमें, कैथोड में, और ये कहां मिलेगी, एनोड में। एक तो ये प्रोडक्शन की रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही, तो यहां पर हाइड्रेशन जो है, हम यहां पर जैसे हाइड्रेशन रिएक्शन होती है वाटर की तीन प्रकार से, ऐसे ही ड्यूटेरियम की भी, पहले यहां तक नोट करना फिर मैं आपको वो रिएक्शंस भी बताता हूं। अब देखो बच्चों कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि ड्यूटेरेशन लाइक एज हाइड्रेशन, बिल्कुल हाइड्रेशन के जैसे ही MgSO4 7H2O मिलता है तो 7D2O भी होता है, ठीक है, जो कि Mg D2O 6SO4 D2O, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, कॉपर सल्फेट में भी ये दिखता है, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड में इंटरस्टीशियल व्हाइट क्यूब में एंटर होता है, बिल्कुल H2O जैसी प्रॉपर्टी है। ड्यूटेरोलाइसिस लाइक एज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जैसा होता है वैसा ही ड्यूटेरोलाइसिस होता है, देखो ये माइनस और ये प्लस, ड्यूटेरियम प्लस और माइनस, इस तरह से OD माइनस और D प्लस में, तो ये जो होते हैं इधर आ जाते हैं और इसके साथ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस, H2O यहाँ होता है तो OH आता है, ऐसा ही यहाँ पर OD आ गया। AlN की इससे हाइड्रोलिसिस हो जाए, 3 मोल्स लगेंगे तो ये बनता है, ये भी बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस जैसी है। P2O5 और D2O की रिएक्शन हो जाए तो ड्यूटेरेटेड फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, जो कि वाटर जैसी ही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो ये बिल्कुल वाटर जैसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखता है। अब आता है कि इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है D2O की तो वहां पर प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ कम हो जाती है, समझ गए ना, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ D2O रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ गए बच्चों कि D2O की उच्च सांद्रता जीवों एवं जीवों जैसे कि पौधे जंतुओं की वृद्धि को रोक देता है, और D2O की स्मॉल कंसंट्रेशन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके लिए ये टॉनिक की तरह वर्क करता है, स्टिमुलेट कर देता है, समझ गए ना, जैसे कि मोल्ड्स होते हैं अगर वहां D2O है तो उसकी जो है ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो कुछ जीवों के लिए कम सांद्रता में टॉनिक की तरह काम करता है। अब आते हैं हिंजेस कहां होते हैं, तो देखोगे कि न्यूट्रॉन मॉडरेटर, समझ गए बच्चों, और कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहां की थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो वहां पर जो कूलेंट की तरह वर्क करता है वो लिया जाता है D2O। कूलेंट क्यों यूज होता है, क्योंकि D2O की जो स्पेसिफिक हीट है बच्चों वो H2O की स्पेसिफिक हीट से ज्यादा है और ये एक अच्छा हीट एब्जॉर्बर हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स जो है यूरेनियम 236, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं इनमें जो रिएक्ट क्या निकलते हैं न्यूट्रॉन्स, उनकी स्पीड को या कम कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियर जो फ्यूजन है न्यूक्लियर फिजन वो कंट्रोल कंडीशन में चलता है। तो एक न्यूक्लियर
रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह भी वर्क करता है। समझ गए बच्चों, ना कि रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक की तरह है और शीतलक की तरह काम करता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, अभी आपने देखा था कि D2O की इलेक्ट्रोलिसिस से D2 मिलती है, तो D2O की इलेक्ट्रोलिसिस से D2 मिलता है। इसके अलावा ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स बनाने में है ना, और एज अ ट्रेसर कंपाउंड, ट्रेसर मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी में भी इसका ट्रेसर की तरह यूज होता है। और रेफरेंस इन NMR जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह ये यूज होता है NMR, या हम कहें कि वहां पर एक रेफरेंस की तरह। तो ये D2O के बारे में था। तो ज्यादातर केमिकली जो है वो ड्यूटेरियम किसके समान है बच्चों, वाटर के समान, बस रिएक्शन रेट अलग अलग होंगे। ड्यूटेरियम की रिएक्शन स्लो रेट से होती है, H2O की फास्ट से होती है। अगर ट्राइटियम की रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए तो और स्लो रेट से होगी, वो आपका रीजन मैंने बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो वाटर से कहीं ज्यादा होती हैं D2O में। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, छोटा मोटा अगर कुछ बच गया होगा तो वो आप देखें, एक्सरसाइज करें, क्वेश्चंस करें। मैं समझता हूँ अब आप हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।